Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनुका अजमीर. बिल्कुल 2018 के इलेक्शंस जहां करीब हैं वहीं पाकिस्तान में सियासत बदल रही है. 2013 में नून की हुकूमत आती है, बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं जिनमें से कुछ पूरे होते दिखाई देते हैं, कुछ आज भी नामुकम्मल. सीपैक की गूंज पूरी आबोताब से सुनाई देती रही और इनके तरक्याती मंसूबों का जिक्र भी होता रहा. बजाहिर इकॉनमी की तरफ से भी डार साहब से सब अच्छा है की रिपोर्ट मिलती रही. दूसरी तरफ पीटीआई के चार हलकों के लेकर पनामा लीक्स के एहतजाज तक सियासी हलचल रही और इख्तिताम अकामा और नाअहली पर हुआ. इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कभी इन और कभी आउट रही, मगर आजकल इसकी सियासत एक दफा फिर से तहरीक की सूरत अख्तियार कर रही है. बिल्कुल जनाब, आज दो अहम मौजूद जिन पर शो में बात की जाएगी उनमें सबसे पहले बात की जाएगी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे अमरीका के हवाले से, जिसमें बिल आखिर पाकिस्तान के मौके से दुनिया भर को आगाह किया गया, वो भी बड़े वाज अल्फाज में. और इस बात की मुझे माशाला बड़ी खुशी भी है कि हमारा मौके जो वाज़े हो चुका है. और उसके साथ साथ दूसरी जानिब कुछ जिक्र होगा मुशर्रफ साहब के साबिक सदर आसिफ जरदारी पर लगाए गए संगीन इल्जामात के बारे में. कल हमने देखा कि अचानक से एक वीडियो मंजर आम पर आती है और तहलका मच जाता है. पता चलता है कि 10 साल से जारी बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में मुलजिम उनके अपने ही शौहर को ठहरा दिया जाता है. कुछ फ्लैशबैक आपको भी मेरी तरह शायद बॉलीवुड की उसी मूवी का हुआ होगा. मैं भी यही सोच रही थी कि जनाब ये तो कोई फिल्म का सीन जो है वो चलना शुरू हो गया. पर सवाल ये पैदा होता है कि इल्जाम दर इल्जाम की सियासत आखिर कब तक चलेगी और असल मुजरिम आखिर कब गिरफ्त में आएगा. बिल्कुल, सियासी हलचल जारी है. पीटीआई जहां फ्रेंडली अपोजिशन नहीं खेल रही, वहीं पीपल्स पार्टी भी काफी मुतारिक है. सियासत में दूसरी जमातों का गठजोड़ हो या फिर पार्टी पॉलिसी, बेनजीर भुट्टो शहीद की ये पार्टी इस दफा डिफेंसिव मूड में नजर आती है. और हमने देखा कि इसी दौरान मोहतरमा की एसेसिनेशन के मुकदमे का फैसला आता है और एक बार फिर पूरी हिकमत अमली के साथ दोबारा इस बड़े इशू पर बात होती है. साथ ही इसके दौरान साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वीडियो लिंक में तहलका खेज इंकशाफ करते हैं और इस वाक्य के 10 साल बाद अपना बोल्ड मौकफ बयान करते हैं. जनरल असेंबली के सेशन के साथ साथ ये खबर भी अब बड़ी खबर का हिस्सा बन चुकी है, जिसपे पीपल्स पार्टी एक भरपूर काउंटर करने के लिए मैदान में आ चुकी है. आज हम इस खबर पर तफसील से बात करेंगे और न्यूज शो में ताजा खबरों को भी शामिल करेंगे. साथ ही साथ कुछ जिक्र होगा सानेह मॉडल टाउन की रिपोर्ट का, जिसे बिल आखिर 3 साल बाद मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके बाद अब नून लीग की मुश्किल और बढ़ गई है. मजीद कौन कौन से चैलेंजेस नून लीग का मुकद्दर होंगे इस पर आज के शो में बात होगी, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज. असेंबली में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया. अक्वामे मुत्तहदा से भारतीय जंगी जराइम की आलमी तहकीकात कराने का मुतालिबा. अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं लड़ी जा सकती, वजीर आजम का खिताब में वाज़ेह पैगाम. आसिफ जरदारी ने मुझे ललकारा है. भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर जिम्मेदार एक आदमी आसिफ जरदारी. साबिक सदर के साबिक सदर पर संगीन इल्जाम. बेनजीर के कत्ल का फायदा किसको हुआ? बीवी की गाड़ी में छत पर खिड़की क्यों बनाई गई? बाहर निकलने का किसने कहा? खालिद शहंशाह को किसने मारा? परवेज मुशर्रफ के वीडियो पैगाम में सवाल. मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एक के बाद एक मुश्किल. सानिया मॉडल टाउन की अदालती तहकीकात महंगी पड़ गई. लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म. पंजाब हुकूमत का रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से इनकार. फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला. और कराची का कचरा कौन उठाएगा? टूटी फूटी सड़कें कौन बनाएगा? क्या शहरी इंतजामिया और सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शहर सुर्खियां क्या कह रही हैं.
जी जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और आज का अखबार खबरों से भरा पड़ा है। तमाम तो बुलेटिन भी इतनी ढेर सारी खबरें हैं कि आज समझ में नहीं आ रहा कौन सी खबर आपके साथ पहले शेयर करें और कौन सी बाद में। लेकिन एक्सप्रेस रोजनामा ने जिस खबर को अपनी मेन हेडलाइन बनाया है वो है सानहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से, जिसको बिलआखिर मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला किया गया है। बिलआखिर हमने देखा कि ताहिरुल कादरी के तमाम धरने, तमाम जलसे, तमाम लॉन्ग मार्च सब कुछ काम आ गई और 3 साल का जोर लगाने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिक करने का फैसला किया गया है, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और फैसले के खिलाफ इंटरपोल अपील भी जो है वो दायर करेंगे। तो गुज़िश्ता काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि नून लीग के लिए जो भी खबरें आ रही हैं वो ज्यादातर बुरी हैं, सिवाय इसके कि कुलसुम नवाज जो है वो ये इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन उसके अलावा एक के बाद एक मुश्किल उनके सामने आ रही है, चाहे वो एहतसाब अदालत हो, चाहे वो नैब के थ्रू हो, रेफरेंसेज हो, या फिर अब ये रिपोर्ट जो कि मंजर आम पर सामने लाने की बातें की जा रही है। तो ये खबर आज एक्सप्रेस ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई। ठीक है, बिल्कुल, जहां पर हम कहते हैं कि नून लीग की मुश्किलात में इजाफे में इजाफा हो रहा है, तो बिल्कुल इस रिपोर्ट के आने के बाद से मजीद नून लीग जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन लेट्स सी कि अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो क्या मेंशन किया गया है, क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर मुरतब की गई हैं, क्या जो ताहिरुल कादरी के जितने भी तहफ़ात हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट मुनासिब लगती है या नहीं लगती है, या जिस तरीके के हकायक इसमें बयान किए गए हैं उस पर उनका अगला स्टांस क्या होगा। इस खबर को जैसे कि हमने बताया कि मेन लीड का हिस्सा बनाया गया, बिल्कुल ऐसे ही जंग ने भी इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया है और एक और खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया, जिसके बारे में हमने अपने इंटरव्यू में स्टार्ट में ही बात की कि जैसे कि जनरल असम्बली के खिताब ने बड़ी अहमियत अख्तियार की हुई है, वैसे ही साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयान ने जो है बड़ी अहमियत अख्तियार की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है, साथ साथ परवेज मुशर्रफ के हवाले से, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ा कड़ा मौकफ देने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यह कहा जा रहा है कि 10 साल बाद परवेज मुशर्रफ को ये बयान देने का ख्याल क्यों आया और इससे पहले उन्होंने ये बयान क्यों नहीं दिया या इससे पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं गईं। वो अपने आप को ही डिफेंड कर रहे थे और उनकी जानिब से भी जाहिर सी बात है जब कोई काउंटर किया जाता है तो उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया और इसी बयान के काउंटर पर खुर्शीद शाह के हवाले से यहाँ पर एक मेन लीड लगी हुई है और वो कहते हैं कि साबित हो गया असल कातिल साबिक आमिर है, कत्ल और भुट्टो खानदान की तबाही का फायदा जरदारी को हुआ। इस तरह के जो बयानात हैं उनका सिलसिला जारी है और इन बयानात को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। तो जनाब, परवेज मुशर्रफ के अहम और संगीन इल्जामात के हवाले से आज यही खबर यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुल्जिम करार दिया है और साथ ही साथ उनका कहना है कि साबिक आमिर ही कातिल है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 10 साल फिर इतनी खामोशी क्यों रखी गई, अगर आपको पहले ही पता था कि कातिल वो है तो जब आपको मुख्तलिफ जगह पर पेश करने के लिए वहां पर मौके फराहम किए गए अपना मौकफ बताने के लिए तो फिर वहां पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई। इसी सब पर हम देख रहे हैं कि शहरी रहमान हो चाहे खुर्शीद शाह हो, वो सब भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये खामोशी फिर क्यों रखी गई अगर आपको हकीकत का पता था। ये खबर आज यहां पर मेन लीड लगाई गई है। लेकिन इसके अलावा आज जैसे कि मैंने शो के इंट्रो में भी बोला था कि एक अहम खबर जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है जनरल असेंबली के हवाले से, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना पहला खिताब किया है और यह खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज इस खिताब के अंदर पाकिस्तान का मौकिफ बहुत ही वाजे कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से क्या सोचता है और पाकिस्तान का कश्मीरों के हवाले से क्या मौकफ है और साथ साथ रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी जो है वो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है और भारत को खुसूसी तौर पर बहुत ही जगह पर वार्न किया है, दो टक पैगाम दिया है कि भारत की तखरीबकारी अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी तरह से गलत तौर पर या फिर जंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान किसी को भी शेल्टर इस तरह का फराहम नहीं करेगा। ये बात बड़ी वाजे तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कही। लेकिन सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी है उनके खिताब में, और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ तजियाकार भी इस बात से एग्री करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से अपने खिताब के अंदर कश्मीरियों के मौकफ को, कश्मीरियों की बात को हाईलाइट किया है, इस तरह गुज़िश्ता कोई 10 साल में भी किसी ने कश्मीर के मौकफ पर इतनी दो टोक बात नहीं की। इसी हवाले से उन्होंने यूएन सेक्रेटरी से जब मुलाकात की तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात भी कही है कि कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर जो डोजियर उन्होंने फराहम किया है तो उसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है कि नुमाइंदे खसूसी इस पर मुकर्रर किया जाए जो कि कश्मीर के इश्यूज को बकायदा तौर पर उन पर नजर रखे और उस हवाले से अपडेट्स हासिल करे, तहकीकात का जो है वो प्रॉपर तौर पर मुआयना किया जाए। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी हवाले से आज न्यूज आपको गाहे बगाहे अपडेट करता रहा। जनरल असेंबली के खिताब की तफसीलात हमने आपको बताई और इस खिताब का मिस्बत पहलू यह है कि बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी। बुनियादी पहलू पर शायद हम अमेरिका को कन्विंस ना कर सकें, कश्मीर के पहलू पर शायद हम उनको कन्विंस ना कर सकें, लेकिन हम अपनी आवाज़
उस असेंबली के इजलास में पहुंचा चुके, हम अपना मौकफ पहुंचा चुके अमेरिका तक, पूरी दुनिया तक। जहां तक रोहिंग्या मुसलमानों की बात है, कश्मीर के मुसलमानों की बात है, तो डेफिनेटली हमारी पाक अमेरिकन पॉलिसी से लेकर तमाम मुसलमानों के जितने भी तहफ़ुज़ात थे उसके हवाले से हमने जनरल असेंबली में आगाह किया। अब देखना यह है कि इस जनरल असेंबली के इजलास के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात या दीगर मुसलमानों के साथ जो भी सलूक किया जाता है उसमें कितनी कमी आती है और कितनी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद ख़ाकान अब्बासी की स्पीच का कितना असर हुआ। अच्छा, अगर आगे बढ़ते हैं और करंट न्यूज़ शामिल करें तो उसमें यह है कि जी चांद नज़र आ गया है और आज यकुम मुहर्रमुल हराम है और आशूरा जो है वो इतवार को होगा। और एक और यहाँ पर सेहत के हवाले से हम खबर शामिल करते हैं जिसमें कॉन्गो वायरस से एक और हलाकत सामने आई है और रवा साल कराची में अमवात की जो तादाद है वो इस वक्त 7 हो गई है। और साथ साथ एक और अहम खबर यहाँ पर मेंशन है कि शहबाज शरीफ कल लंदन जाएंगे, कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे और नवाज शरीफ से अहम शख्सियात से राब्तों पर तबादला ख्याल करेंगे। और मिरान शाह के मैच के हवाले से भी जंग ने अपनी इस खबर को जो कल हम आपको बता रहे थे उसको मेन लीड का हिस्सा बनाया। अच्छा, तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ खबरें मेंशन है NA-120 के हवाले से। हाँ। भी आपको बताएं कि NA-120 में पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है जिसके बाद बिलावल ने हकाइक जानने के लिए कमेटी बना दी है। और दूसरी खबर गैलप सर्वे के हवाले से आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 25% अफराद ऐसे हैं जिन्हें हमारे सदर का नाम ही मालूम नहीं। सवाल कितने ही अफसोस की बात है कि हमारी आवाम को 25% को पता ही नहीं है कि हमारे सदर का नाम क्या है। जिनको नहीं पता उन्हें हम बता दें कि उनका नाम ममनून हुसैन है। एनीवेज जनाब, ये तो तमाम तर खबरें थी जो अखबारों की जीनत थी। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे जिसमें सबसे पहले लाहौर का अहवाल जान लेते हैं। और आपको बताएं कि आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच जो है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही है। जी सईद, अपडेट कीजिए। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मुझे पीछे से कुछ नारों की आवाज जो है वो हमारा रापता उनसे हो नहीं पा रहा है। और लाहौर में इस वक्त सईद बलोच मौजूद हैं। सईद बलोच, आपको आवाज आ रही है हमारी? सईद बलोच, आपको आवाज आ रही है? जी सईद बलोच, बताइए इस वक्त क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां हैं लाहौर में? जी वैसे तो लाहौर मियां नवाज शरीफ, जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके नायब होने के बाद से लाहौर सियासी और दीगर सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। लेकिन आज का जो अहम जो इवेंट है, जो सरगर्मी है लाहौर में, वो सानहा मॉडल टाउन के हवाले से कल का जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था कि बाकिर नजफी कमीशन जो रिपोर्ट जो सानहा मॉडल टाउन के हवाले से थी उसे शाये किया जाए, तो उसी हवाले से आज का एक ख़ास जो इवेंट है वो लाहौर में हो रहा है। और वो ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन और सानहा मॉडल टाउन के शोदा के जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हैं और यहाँ पर उनका यह मुतालबा है कि बाकिर नजफी कमीशन रिपोर्ट जो है वो उनके हवाले की जाए, क्योंकि कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। तो इस हवाले से यहाँ पर खासे कारकुन जमा है, सानहा मॉडल टाउन के जो शोदा हैं उनके लवाहिकीन भी हैं और अभी उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि थोड़ी देर में उनके जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो सिविल सेक्रेटेरिएट में जो होम सेक्रेटरी पंजाब हैं उसके ऑफिस में जाएंगे और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि कल के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके हवाले की जाए। और इस वक्त यहाँ पर खासे कारकुन जमा हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के और सानहा मॉडल टाउन के शोदा के, पाकिस्तान अवामी तहरीक के काफी वहाँ पर कारकुनान जमा है और उनका यही मुतालबा बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट जो है उनके हवाले की जाए। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं और जानते हैं कि इस्लामाबाद में आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं और कौन से मेगा इवेंट्स हो रहे हैं। तो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम रजाक। जी वसीम रजाक, अपडेट कीजिए। जी इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद वफाकी दारुलहुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होगी। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आयशा गुलालई के खिलाफ जो के साबिक रुकन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त की समाअत होगी। इसके अलावा मिसिंग पर्सन केस की समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास का आगाज़ होगा। आम रूटीन में सैनट का इजलास जो है वो 3 बजे होता है, लेकिन आज जुमातुल मुबारक का दिन है तो जुमे के दिन की वजह से आज सैनट
कैबिनेट का सेशन जो है वो आज 10 बजे उसका भी आगाज होगा। इसके अलावा एन ए 120 के हवाले से इलेक्शन कमीशन में एक अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ आज नेशनल प्रेस क्लब में फरतुल्ला बाबर और फरजाना बारी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसके साथ साथ जे यू आई फे के सैनिटर जो है वो उनकी जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स का इनेकाद आज किया जाएगा। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें, इस्लामाबाद में आज भी एक गर्म दिन है, सूरज निकला हुआ है, और लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपके डेफिनेटली आज जुमा है तो जो तमाम इजलास होंगे उसमें भी कुछ डिले हो सकता है। उसके साथ से जनाब आज यकम मुहर्रम अल हराम भी है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से हमारा जो नया साल है वो भी शुरू हो चुका है। मुहर्रम अल हराम के दौरान मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के लिए सिक्योरिटी भी काफी सख्त कर दी जाती है। हाफजाबाद में इस हवाले से क्या क्या तैयारियां की गई है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, अंजुम सुहेल। जी अंजुम सुहेल, बताएगा पुलिस की जानिब से मुहर्रम अल हराम के लिए कोई सिक्योरिटी प्लान अब तक जारी किया गया है? जी बिल्कुल, हाफजाबाद में भी मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान के क्याम के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। जिला भर में मुहर्रम अल हराम के दौरान 139 जुलूस निकाले जाएंगे जबकि 603 मजालिस मुनक्कद की जाएंगी। इन जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से 1000 से ज्यादा एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जबकि उनके साथ साथ दीगर जो कानून नाफज करने वाले अदारे उनके एहलकार भी शामिल होंगे, कौमी रजाकार भी शामिल होंगे। पुलिस के साथ साथ रेस्क्यू 112 TM सिविल डिफेंस महकमा और दीगर जितने भी मुतलका महकमे उनके एहलकारों को भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। जुलूसों की तमाम गुजरगाहों पर मजालिस और इमाम बारगाहों के बाहर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। DC ऑफिस और DP ऑफिस में 2 अलग अलग कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। यह हम बताता चलूँ की अमन अमान के क्याम के पेश नजर मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के 14 अंजुम सुहेल, और बिल्कुल सही बात है की तमाम मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। इसी हवाले से कराची में भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ जिसमें खास तौर पे कराची की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई कि कहां कहां CCTV कैमरे नस्ब करने हैं और किस किस तरीके से इस शहर की सिक्योरिटी को प्लान करना है। तो इस हवाले से हम आपको मजीद भी बताएंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। तो अब कुछ बात कर लेते हैं अखबारात के हवाले से कि आज अखबारात में कौन से मौजूद जेरे बहस हैं। इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं हमारे लाहौर के सीनियर ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कौन कौन से मौजूद आज अखबारात में जेरे बहस हैं? अखबारात में कल जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते रहे हैं कि जो सानिया मॉडल टाउन के केस की जो रिपोर्ट थी उसको मंत्रियाम पर लाने का हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो अखबारात ने इस तनाजुर में लिखा है कि गुज़श्ता 4 साल में जो इश्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट की बजाय जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामेंट की बजाय अदालतों को शिफ्ट हो चुकी है। कभी तो वो इलेक्शन के मामला जो है अदालतों में ज़ेर बहस आते हैं, कभी सियासतदानों की करप्शन के हवाले से केसेस जो है वो एहतसाब अदालतों में GIT में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं। तो ये एक सवाल उठाया गया है इस सारे केस के तनाजुर में कि पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट से कोर्ट्स की तरफ क्यों शिफ्ट होती जा रही है, कहाँ पे इसकी सियासतदानों के अंदर क्या खामियाँ हैं और जो मुंतखब ऐवान हैं वो अपना किरदार उस अंदाज में क्यों नहीं अदा कर पा रहे कि जिसकी वजह से इदारे मजबूत हों, एहतसाब का अमल भी मजबूत हो और कानून पे अमलदारी जो है वो वक्त पर हो जाए, तो इस तरह के केसेस जो है वो इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट ना कर सकें। तो बुनियादी तौर पे ये है क्योंकि कल जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसका बैकग्राउंड ये है कि जो 3 साल पहले सानिया मॉडल टाउन हुआ था, पुलिस ने एक ऑपरेशन किया था अवामी तहरीक के सेक्रेटेरिएट पर और उसमें 14 अफराद जहांबाक हो गए थे जिसमें खवातीन भी शामिल थी, 100 अफराद जख्मी हो गए थे, लेकिन जब वजीर आला पंजाब के हुक्म पर जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल इंक्वायरी हुई और वो रिपोर्ट जब कंप्लीट हो गई तो उसमें कुछ इतलात ऐसी थी कि उसमें हुकूमत पंजाब और उसके तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है और उस रिपोर्ट को बंद किया गया कर दिया
दिया गया था, इंसाफ का अमल रुक गया था और उसके बाद जो है इसलिए इसको अहमियत दी जा रही है। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आपने जिक्र किया, आपने बताया कि अखबारात में इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि ये मामलात कोर्ट्स तक पहुंच रहे हैं, कोर्ट्स का एहतराम अपनी जगह पर है क्योंकि आपस में ही क्यों सॉर्ट आउट नहीं होते। अगर हम नून की पूरी हुकूमत को देखें, नून के पूरे चन्योर को देखें, तो बाहर तो यही लग रहा था कि हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और फिर सडन ये पनामा केस का फैसला आता है जिसको ये पार्लियामेंट के अंदर सॉर्ट आउट नहीं कर सके। तो आपको क्या लगता है, सियासतदानों की नाअहली है या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? देखिए इसका एक बैकग्राउंड है, मसलन अगर 14 अफराद जहां बाक होंगे तो यकीनन वो अदालतों में फैसला होगा। हाँ। लेकिन इसकी रीजन ये बयान की गई है कि अगर पार्लियामेंट जो है वो कवानीन को मजबूत करे, सियासतदान जो है वो पुलिस और इदारों पे असरअंदाज ना हो तो ये जो सजाएं हैं वो बर वक्त मिलेंगी तो फिर भी ये सियासी इशू नहीं बनेंगे। इसी तरह करप्शन के मामलात अगर डे टू डे पार्लियामेंट के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए असासे चेक करने के जो मामलात है या सीबीआर के जरिए टैक्सों के मामलात होते रहे तो फिर भी ये अदालतों में जब तूल पकड़ते हैं तो इसको सियासी रंग दे दिया जाता है। तो पार्लियामेंट जब मुकन्नना कमजोर नजर आ रही है, अब आप देखें आसिफ अली जरदारी के केसेस भी दोबारा आने शुरू हो गए हैं, मुशरफ के बयान आप देख लें तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में सूरत हाल कहाँ चली जाएगी। बात करें बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इश्यूज पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने चाहिए उन्होंने कोर्ट्स का रुख तैयार कर लिया और फिर कोर्ट की जानिब से भी जो फैसला आता है उसको मानना अलग और उसके ऊपर रेजिस्टेंस शो करना वो अलग एक इशू है। अभी भी हमने देखा कि सानहे मॉडल टाउन के हवाले से जिस रिपोर्ट को सामने लाने की बात की गई तो पंजाब हुकूमत ने फौरी उसके ऊपर अपना मौके भी अपनाया और उन्होंने कहा कि जी हम इसके खिलाफ भी अपील दायर करेंगे, इस फैसले को भी चैलेंज करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर रेजिस्टेंस शो कर भी ली जाए तो क्या इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने से रोका जा सकता है और ऐसा क्या समझते हैं आप बाकर नजफी की रिपोर्ट में है जो इसको इतना छुपाने की कोशिश की गई, 3 साल लग गए? जी बिल्कुल, देखें इससे पंजाब हुकूमत की पोजीशन कमजोर हुई है क्योंकि जब वाकया दिन की रोशनी में हुआ, पुलिस की फायरिंग से अफराद जहां बाक हुए और अगर जो हमारी गवर्नमेंट के जो कायदीन थे अगर वो इसमें मुलव्वस नहीं थे तो वो इसको जिम्मेदारी कबूल करते कि ये बंदे जो कत्ल हुए हैं हमें इसका फौरन जो है वो खोज लगाना चाहिए कि पुलिस ने कहां नायली की है कि जस्ट तजावजात हटाने के बदले जो है वो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो इसका मतलब उन्होंने अपने दिफा में इतना तूल दिया कि वो खुद बेनकाब होते गए और उन पे उंगलियां उठने लगी। तो आप क्योंकि वो रिपोर्ट में वाजे लिखा गया है कि वजीर आला पंजाब, वजीर कानून राणा सनाउल्ला और तमाम उनके पुलिस अफसरान जो है वो वीडियोज के जरिए शवाहद के जरिए साबित हो गया है कि ये उनकी नायली की वजह से, गफलत की वजह से हुआ है। तो इस वजह से अब डर लगता है कि अगर अदालतें इस केस को उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सुनेगी तो ये तमाम अहम शख्सियात को जो है वो अपनी जमानतें भी करानी पड़ेगी और एक सख्त केस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा अनवार हाशमी साहब, देखा हमने कि पनामा केस में नून लीग की आला क्यादत मुश्किल में नजर आती है, अब इस साने मॉडल टाउन की रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि लाहौर में भी नून लीग की जो क्यादत है, निचली सतह पर जो क्यादत है वो भी काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो किस तरीके से फिर मैनेज होगी, कैसे चलेंगे तमाम पोर्टफोलियोज, किस तरीके से फिर नून लीग तमाम हालात को मैनेज करेगी? देखिए इंतहाई मुश्किल में है नून लीग की क्यादत और जो क्यादत कर रही है मेन वो शरीफ फैमिली है, वो इंतहाई मुश्किल में है और गलतियों पे गलतियां की जा रही है। मसलन शहबाज शरीफ इस रिपोर्ट के बाद कल सुबह जो है वो लंदन रवाना हो जाएंगे, उन्होंने भी टिकट खरीद लिया है, पहले पूरी फैमिली वहां पे मौजूद है। इनको चाहिए था कि ये भरपूर अंदाज में अपने कानूनी माहिरीन के जरिए अदालतों का सामना करते तो फिर जो है किसी न किसी सूरत जो है एक लंबे अरसे बाद इनको नजर आ रहा है आपको कि सिर्फ यही रास्ता रह गया कि जब कोई केस सामने यहाँ पर आए तो पकड़ के टिकट आप लंदन रवाना हो जाए, कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा तक आपको नून लीग के बचाव का? लंदन, दुबई, सऊदी अरब, तुर्की हमारी पनाहगाहें सियासतदानों की बनती जा रही हैं, ये अपने ठिकाने पहले ही वहां पे बना के आ जा। बिल्कुल ठीक जी, ठीक है। अनवार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया पेश कर रहे थे सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले। यही बात और यही बहस हम कर रहे हैं कि जैसे ही तमाम मुकदमात सामने आए हैं तो नून लीग की क्यादत जो है वो एक के बाद एक लंदन जा रही है। अनवार हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया तजिए के लिए। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कुछ मजीद स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अलबासी ने अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही बंद करना होगी, भारत की किसी भी मुहिम जोई या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने जनरल असेंबली को यह भी बताया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं जहां से पाकिस्तान पर हमले भी किए जाते हैं। जमातुल अहरार, टीटीपी और दाइश सरहद पार से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने खिताब में मजीद क्या बातें की, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के दौरान मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया। उन्होंने भारतीय मजालिम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन से हमले करती है। Instead, India has deployed nearly 700,000 troops in occupied Kashmir to suppress the legitimate struggle of the Kashmiris to exercise the right to self-determination. This is the most intense foreign military occupation in recent history. वजीर आजम पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि मसला कश्मीर पर अकवाम मुत्तहिदा का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, भारत के जंगी जराइम की आलमी तहकीकात कराई जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने जनरल असेंबली को बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीयत अल मामलात पर मुजाकरात के लिए तैयार है, ताहम भारत को इसके लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही खत्म करना होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है। जनवरी से अब तक 600 मरतबा खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान हैज एक्टेड विद रिस्ट्रेंट, बट इफ इंडिया डज वेंचर अक्रॉस द LOC और एक्ट्स अपॉन इट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इट विल इवोक अ स्ट्रॉन्ग एंड मैचिंग रिस्पॉन्स। वजीर आजम ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने वाजे किया कि अफगानिस्तान का कोई फौजी अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं लड़ी जा सकती। What Pakistan is not prepared to do is to fight the Afghan war on Pakistan's soil. Neither can we endorse any failed strategy that will prolong and intensify the suffering of the people of Afghanistan and Pakistan. वजीर आजम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकामी की दो वजूहात हैं। एक तो आलमी बरादरी रियासती दहशतगर्दी को रुकवाने में नाकाम रही है, दूसरा इंसाफ की फराहमी में नाकामी है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान ने उस वक्त तक एटमी हथियार नहीं बनाए थे जब तक भारत ने एटमी तजुर्बा नहीं किया था। पाकिस्तान के एटमी हथियार मजबूत दिफा की जमानत हैं। वजीर आजम ने जनरल असेंबली में CPAC का भी जिक्र किया और कहा कि CPAC की बदौलत पाकिस्तान की मौआशी तरक्की में इजाफा हुआ है। The China-Pakistan economic corridor will further contribute to our economic upsurge. This will expand exponentially as the Pakistan-China partnership extends beyond energy and transportation to many other sectors. वजीर आजम का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी आलमी मसला है, पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा, दुनिया को सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है, यूरोप को एक नई सर जंग का खतरा है। और वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से जो भी उन्होंने खिताब किया जनरल असम्बली में और फिर साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रफत सईद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज रफत सईद आपसे पूछना चाहेंगे, आज वजीर आजम पाकिस्तान ने जो खिताब किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जो अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन उस वक्त कमोबेश वही बातें की हैं जो उन्होंने तकरीर में की थी और उन्होंने तकरीबन हर इशूज को टच किया है, चाहे दहशतगर्दी हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर में भारत के मजालिम हो, इन तमाम चीजों को उन्होंने टच किया था। साथ साथ उन्होंने ये पैगाम भी दिया जो पाकिस्तान के जौहरी हथियार हैं वो महफूज हाथों में है और पाकिस्तान मुजाकरात चाहता है लेकिन भारत की तरफ से मुसलसल इनकार किया गया है। लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज और से नुमाया और अहम बात ये थी कि उन्होंने एक दो टोक अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अफगानिस्तान में
फौजी और सियासी मुदाखलत भारत की किसी तौर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए बड़े वाजह तौर पर उन्होंने इस बात का इजहार किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ साथ उन्होंने दोबारा से उन चीजों को दोहराया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं कबायली इलाकों में दहशत गर्दी का खात्मा किया है। उन्होंने साथ साथ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी गैर रस्मी बातचीत हुई थी एक अशाइये में, तो वहाँ जो उनसे गुफ्तगू हुई तो अंदाजा हुआ कि जो उससे एक रोज कब उनकी अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई थी उस बारे में उन्हें मुकम्मल ब्रीफ किया गया है। तो लिहाजा उनके लहजे में भी और उनकी गुफ्तगू में भी वो शिद्दत नहीं थी। अच्छा रफत साहब, यही आपसे हम जानना चाह रहे थे कि आप वजीर आजम के लबो लहजे और गुफ्तगू के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले भी जो है वो आपने डेफिनेटली जनरल असेंबली के जो खिताब है उनको कवर किया होगा, और हमारे जो पहले के वजीर आजम है उन्होंने भी कश्मीर के इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, इससे पहले भी इस तरह होता है। इस बार क्या मुख्तलिफ देखने को मिला, इनकी स्पीच किस तरह से बाकी वजीर आजम की स्पीच से मुख्तलिफ थी? गुज़िश्ता कई सालों से मैं अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में बाकायदगी से आ रहा हूँ, और गुज़िश्ता चार साल में भी नवाज शरीफ जब भी आते रहे तो भारत एक बड़ा वाज़ह फर्क था। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने जो बात की वो ऐसा लगता था कि वो उनके अल्फाज हैं, वो के तकरीर यकीन जो फॉरन ऑफिस है और जो अवाम मुतहदा पाकिस्तान की सफीर हैं डॉक्टर मलिक अलू जी, उन्होंने पूरी टीम ने तैयार की है, लेकिन उन्होंने एक जिस अंदाज से सहमास तकरीर की उससे ही अंदाजा होता था कि उनकी परफॉर्मेंस जो है या उनका जो इजहार का तरीका है वो साबित वजीर आजम या नवाज शरीफ से खासा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वो जो गुज़िश्ता साल तकरीर की थी नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने गोके उसमें कश्मीर का जिक्र तो किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि रिवायती तौर से सरसरी तौर से वो उसको टच करते हुए चले गए, वो कि वो अंदाज भी उनका वो एक नपतुले अंदाज में उन्होंने उस वक्त बात की थी, लेकिन उन्होंने शायद इसकी वजह ये भी कही जा रही है, सुबह में बात हो रही थी जब एलओसी पर फायरिंग हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि जो तकरीर है वजीर आजम की उनके कुछ हिस्सों में रद्द बदल की गई है और उसको जो है दोबारा से शायद और ज्यादा जोरदार तरीके से लाया जाएगा। और फिर एक बात और ये थी कि हमेशा से अमेरिका का एक दबाव रहा है कि जब भारत कश्मीर के मजालिम की बात की जाती है, भारत की बात की जाती है, तो उस लबो लहजे को जरा थोड़ा सा कम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, और डेफिनेटली ये कवर आप करते रहे हैं जनरल असेंबली के जो भी इजलास हैं, और डेफिनेटली काफी फर्क जो है वो इस वक्त उनके लबो लहजे में भी। और अनम जब रफत सईद ने उनसे सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, साथ साथ सवाल भी कर रहे थे कि ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से डूमोर के मुतालबे को आप कैसे देखते हैं, तो वजीर आजम पाकिस्तान ने थोड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया कि नहीं, बड़ा मिस्बत अंदाज है, अब डूमोर किस्म का जो है वो मुतालबा नहीं होगा, वाकिफ जो है वो वाजे कर दिया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवैस तोहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बिल्कुल अवैस साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया है आप कैसे देखते हैं इसको, क्या अक़वामे मुत्तहिदा इस कश्मीर वाले मसले पर जो है वो कोई तहकीकात करेगा, अपना फोकल पर्सन भेजेगा? सबा और अनम गुड मॉर्निंग। देखिए, जो वजीर आजम शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की जो तकरीर थी वो वेल वर्डेड और वेल ड्राफ्टेड थी, बिल्कुल, तो जो अल्फाज का चुनाव और जो उसका मतन था वो काफी माने खेज था, और कश्मीर पर जो है काफी मुफसल या तफसीली उन्होंने उस पर जिक्र किया है, और एक तो कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती जबर का मजालिम का पैलेट गन्स का, और फिर वहां पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स उनकी रिहाई का, फिर इंडिया की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का, और इस अनरिजॉल्व ये जो कश्मीर का मसला है ये अक़वामे मुत्तहिदा की तारीख में सबसे पुराना रनिंग अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है जी। तो ये कहना कि ये कल परसों सही हो जाएगा ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो तकरीर का मतन था उसके अंदर जितनी तफसील से जिक्र किया है तो मगरबी बॉर्डर पे यानी कि अफगानिस्तान और फिर दहशत गर्दी की जंग 9/11 के बाद से वहां से पाकिस्तान का एक फॉरेन पॉलिसी की ड्रिफ्ट मैं देख रहा हूँ जो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी जो ट्रेडिशनली पार्टीशन के बाद से रहा है, बिल्कुल, और तीन जंगें भी भारत से उसी मामले पर हुई हैं, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अब जो भारत का मंदूब जब तकरीर करेगा जी तो फिर पाकिस्तान पे तनकीद का जाहिर बात है वो निशाना बनाएगा सही। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब ने
बगैर टाई के भी तकरीर नहीं की और शेरवानी में अच्छे लग रहे थे जी बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे और साथ साथ अच्छी बात ये थी बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा ओवैसी तौहीद साहब जिस तरीके से उन्होंने वाज़े मौकफ बयान किया है जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का स्टांस जनरल असेंबली में बयान किया है बहुत उसकी तारीफें हो रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत तारीफ की जा रही है। साथ साथ आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और वो बात ये थी ख्वाजा आसिफ भी उनके साथ में ही खड़े थे और उन्होंने कहा कि जी जब साफी ने पूछा उनसे कि जी सिविल और अस्करी क़यादत के बारे में आपका क्या ख्याल है तो उन्होंने कहा जी दोनों बिल्कुल मुत्तहिद हैं एक पेज पे हैं। तो न्यूयॉर्क में होके उन्होंने एक तरीके से अंदरूनी जितने भी खदशात हैं उसका भी जो है वाजे उन्होंने पैगाम दिया है इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए सभा ये ऑन द साइडलाइन जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट वफ्द के साथ होते हैं या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो वहां पे मुकीम हैं उनके साथ उन्होंने एक सवाल में कहा कि सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है एक पेज पर है। जाहिर बात है कि इख्तलाफात तो रहे हैं और एक उसकी तारीख भी रही है लेकिन उनका ये बयान कहना और जो उनकी तकरीर है वो मेरे ख्याल में एक यूनिसॉन के अंदर लगती है एक एक सिम्ट में लगती है। लेकिन जो सवा जो सबसे बड़ी बात है जो मगरबी बॉर्डर के हवाले से जो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की वो ट्रंप के साउथ एशिया की पॉलिसी स्टेटमेंट जो बहुत ही फिक्र अंगेज है हमारे लिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पे काफी तनकीद की थी और उसकी झलक हम मुस्तकबिल में भी देखेंगे उसमें उन्होंने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक तो रेज किए हैं। एक तो कहा है कि स्केप गोट पाकिस्तान को ना बनाया जाए अफगानिस्तान में नाकामी का और दूसरा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं लड़ी जाएगी और साथ में सेफ हेवन यहाँ पे नहीं है तालिबान के और वो अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के सेफ हेवन वहाँ पर। अच्छा ओवैसी तौहीद साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़े मौकफ अपनाया है तो अब आपको क्या लगता है कि जो अमेरिकन पॉलिसी है जिसमें भारत को खासा असर रसूख भी दिया गया था अफगानिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा था कि जी सियासी उनको असर रसूख दिया जा रहा है अब ट्रंप की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आएंगे इतने वाज़े बयान के बाद कुछ बेहतरी आएगी? देखिए मैं समझता हूँ कि जरा तश्वीशनाक सूरत हाल है और रहेगी। ट्रंप जो है वो उनके बयान तो मुतनाज़े होते हैं और बहुत ही सख्त होते हैं। कोरिया को उन्होंने तबाह करने का कहा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करने का कहा, पाकिस्तान को डू मोर करने का कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक एक, एक तरह से धमकी आमेज उन्होंने बयान दिया। लेकिन जब वो बयान देते हैं उसके बाद उनके एडवाइजर्स जो हैं वो फिर उनको पीछे घसीटते हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा और जो माइक पेंस के साथ जो जब भी पॉलिसी देने की बात आती है तब तो बड़ी सख्त ज़बान अल्फाज इस्तेमाल की जाती है ट्रंप की जानिब से लेकिन अभी हम देख रहे थे कि जब वज़ीरे आज़म बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बड़े ही मुतमईन दिखाई दे रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी खुशगवार थी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे तो उस टाइम पर आपको नहीं लगता कि वो तमाम जो ऑडियंस जो थी वो अपनी थी साफियों से बातचीत अलग होती है। मैं समझता हूँ माइक पेंस के साथ जो ऑन द साइडलाइन जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात है फिर आप देखिए कि परसों हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात अमेरिकन एम्बेसडर अफगान एम्बेसडर से हुई है जलीवाल से उससे कबल पाकिस्तान का मिलिट्री डेलीगेशन अफगानिस्तान गया है। तो ये जो आप हरकत और सकनात हैं ऑन द साइडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक 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 माहौल एक बनाएंगे आगे के लिए मुज़ाकरात के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीरियन कॉन्फ्लिक्ट ने इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के तनाजात को एक्लिप्स कर दिया है और हम ये समझ रहे हैं कि वहाँ से एड भी कम होगी और आने वाले दिनों में तश्वीशनाक बात यह है कि जो ट्रंप का स्टेटमेंट था उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत को अफगान अमन अमल के अंदर शमूलियत की एक तरह से उनको दावत दी गई थी जो हमारे लिए तश्वीशनाक है। इसी वजह से हमारे वजीर आजम शाहिद खान पाचू साहब ने क्वाड्रिलेटरल और ट्राइलेटरल बातचीत पर मुज़ाकरात पे जोर दिया यानी कि चार फरीकी के अंदर अमेरिका चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान और सह फरीकी के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमरीका। उन्होंने कहा यही दो फोरम्स है लेकिन जो अशरफ गनी साहब ने कहा उन्होंने रीजनल डायलॉग की बात तश्वीशनाक बात है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ईरान रशिया चाइना के साथ मिलकर
एक ऐसा ब्लॉक बनाए जो अफगानिस्तान के अंदर अमल अमन के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि आर्मी चीफ का तो दौरा भी मुतवक्के है रशिया का, उस हवाले से बड़ी मुनज़्ज़म जो है वो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और फॉरेन पॉलिसी और जनरल असेंबली के खिताब के ऊपर जो कि वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ने किया है उसके मुतालिक जो है अपना तज़िया और तबसरा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये इजलास काफी अहमियत का हामिल था और डेफिनेटली पहला खिताब था उनका, तो वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के मौके को वहां पर बाजी किया, बड़ा ही दो टोक जो है पैगाम भी दिया है। इस हवाले से मजीद भी आगे चलकर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से जनाब। गाड़ी में छत पर खिड़की क्यों बनाई गई, बाहर निकलने का किसने कहा, खालिद शहंशाह को किसने मारा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने गुज़िश्ता रोज ये अहम सवालात उठाकर एक सनसनी ही फैला दिया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम लगाया और कहा कि बेनजीर कत्ल का फायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ, नाहिद खान अमीन फहीम और खालिद शहंशाह को अदालत में बुलाया ही नहीं गया। साबिक सदर ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करके तहकीकात का मुतालबा भी किया। आसिफ जरदारी ने मुझे ललकारा है, भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर जिम्मेदार एक आदमी आसिफ जरदारी। साबिक सदर ने साबिक सदर पर इल्जामात की बौछार कर दी। परवेज मुशर्रफ को आसिफ जरदारी की लाश न हुई और सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मुझे एक्यूज किया है कि मैं बाय नेम यानी मैंने बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया, यानी मुझे ललकारा है उसने, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। धमाका खेज इनकशफात से भरपूर इस वीडियो में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि बेनजीर और मुर्तजा भुट्टो को आसिफ अली जरदारी ने कत्ल कराया। उन्होंने कहा कि बेनजीर के कत्ल का मुझे नुकसान जबकि एक शख्स को फायदा हुआ। परवेज मुशर्रफ ने दावा किया कि इस साजिश में सर आला अफगान हुकाम शामिल थे। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि बेनजीर के मर्डर की साजिश बैकग्राउंड में आसिफ जरदारी और ये अफगानिस्तान में के में मुलव्वस सीनियर इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। परवेज मुशर्रफ ने मजीद कहा कि उनकी बातें बिलावल आसिफा बख्तावर के लिए अहम हैं। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ आप कर रहा हूँ खास तौर पे बिलखसूस बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, आप तीनों को, इसके अलावा तमाम भुट्टो फैमिली और तमाम सिंध के लोग। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि बेनजीर को गाड़ी से निकलने के लिए फोन आया और बाद में फोन ही गायब कर दिया गया। गाड़ी में खालिद शहंशाह भी था लेकिन कातिलों ने बाद में उसे भी कत्ल करा दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि आसिफ जरदारी को दोनों केसेस में पकड़ा जाए। कौन था वो शख्स जो उन्हें टेलीफोन कर रहा था, इसके पीछे चले, इसके पीछे जाना मुश्किल ही हो गया कि वो जो टेलीफोन था जिस पे ये मैसेज आया वो ही गायब हो गया कि अगर इसके अंदर हम घुसेंगे तो हमें मर्डरर मिल जाएगा और एक ही मिलेगा आसिफ जरदारी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने परवेज मुशर्रफ के इस पैगाम पर शदीद आसिफा भुट्टो ने भी ट्विटर पैगाम में साबिक सदर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लिखा कि शर्म करो मुशर्रफ, मुतासरा खानदान पर इल्जाम लगाते हो। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि बीवी का कातिल मुशर्रफ है। आसिफा भुट्टो ने मीडिया नुमाइंदगान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो मुल्क से भाग गया ऐसे कातिल को दिखाते हो। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के सवाल भी इंतहाई अहम है कि पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में क्या किया है और परवेज मुशर्रफ ने 10 साल बाद ही क्यों इतने अहम सवाल उठाए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे से इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। शौकत बसरा साहब, संगीन इल्जाम लगाए गए हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया उन्होंने, काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं। आसिफ अली जरदारी पर बेनजीर के साथ साथ मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम भी लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो शहीद बीवी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि वो पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की लीडर थी
और हम समझते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये इतराफ़ जुर्म है परवेज़ मुशर्रफ का, वो एक सदर के तौर पर पाकिस्तान में थे, जब उनके पास इतने सबूत थे, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उसमें उन्होंने ये सबूत नहीं दिए, चले उसके बाद अदालत का मौका आया, अदालत में बतौर वो मुल्ज़िम पेश हो सकते थे और वहाँ पर सबूत देते कि ये मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि किस तरह जरदारी साहब इन्वॉल्व है। हम ये समझते हैं कि चूंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की है, उस अपील में हमने मुतालबा किया है और हमारी अपील एडमिट हो गई है कि वो तीन मुलजमान जो दहशतगर्दी की अदालत से बरी हुए हैं उनको तख्तादार पर लटकाया जाए और दूसरे परवेज़ मुशर्रफ बाहर से बुलवा कर यहाँ पर उनका ट्रायल किया जाए और उनको कार्यवाही की सलाह दिया जाए। जब ये हाई कोर्ट में अपील एडमिट हो गई, उन्होंने देखा कि अब तो मैं काबू आ रहा हूँ, रेड वारंट इशू हो सकते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर एक ऐसा बयान दिया जिसका हकायक से कोई तल्लक नहीं। आज भी मैं आज टीवी के इस प्रोग्राम में बैठ कर कह रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब, आप सबका आर्मी चीफ हैं, आप सबका पाकिस्तान के सदर रहे हैं, आपने 8-9 साल मुल्क को चलाया है, आइए अगर आपके पास सबूत है, बतौर शौकत बसरा मैं सियासी कारकुन हूं, मैं शहीद बीबी का जियाला हूं, हम चाहते हैं कि बीबी के कातिल सामने आने चाहिए, आइए पूरी कौम के अच्छा, सामने। शौकत बसरा बिल्कुल सही, आप तो बिल्कुल दुरुस्त की है कि बेनजीर भुट्टो जो थी वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी बल्कि पूरे मुल्क की लीडर थी और डेफिनेटली आवाम जो है वो जानना चाहती है अब पीपल्स पार्टी आगे क्या करेगी, इन इल्जाम के बाद आइंदा का लाहेमल क्या तय किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या आप लोग समझते हैं कि इसके लिए अदालत भी जाना चाहिए? तो अदालत ऑलरेडी जा चुके हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हमने अपने दौर में कराई थी कि शहीद बीबी को जिस तरह मर्डर किया गया, जिस तरह शहीद किया गया, उसी के ताबे तो दहशतगर्दी की अदालत में केस चला। जब वो केस चला, जब उसका फैसला हुआ, उसमें से बरी कर दिया गया तीन मुल्ज़िमों और परवेज़ मुशर्रफ को इख्तियार कर दिया गया। उसके बाद हम गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने ये अपील फाइल की है और अदालत में हम अपना केस लड़ेंगे। हम अदालतों से कभी नहीं लड़े लेकिन अदालतों में अपने केस जरूर लड़ते हैं। हमारा अदालत से यह मुतालबा है कि उन तीन मुलजमान को भी सजा दी जाए और तरफ को रेड वारंट इशू करें, इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि परवेज़ मुशर्रफ जो एडर और बेटर था शहीद बीबी के साहब, आप इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते हुए इस तरह की बात करना बनता भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों जानिब से इल्जामात का सिलसिला है। इसी हवाले से नैयर बुखारी साहब भी यही कह रहे थे कि जी जैसे ही मुकदमा शुरू हुए तो मुलजिम बोल पड़ा, फिर खुर्शीद शाह ने एक अहम बयान दिया कि भाई वाजे हो गया कि कत्ल में कौन मुलविस है, तो यही इल्जाम का सिलसिला चलता रहेगा या फिर असल कातिल भी पकड़े जाएंगे, असल जड़ तक भी पहुंचा जाएगा कि आखिर मुलविस कौन था? वो मुनसिफ होती है, अदालत फैसला करती है हकायक के मुताबिक और जिनके सामने एविडेंस रखी जाती है। हर कोई बयान दे जिस तरह मर्जी हो, आप देखिए ना मियां नवाज शरीफ वगैरह ने कितना कहा कि हमारे फ्लैट्स नहीं है, कंपनीज नहीं है, हमारे नजायज राय नहीं है, लेकिन अदालत ने फैसला दिया। अब हमारा केस भी अदालत में मौजूद है। मैं फिर दोबारा आज टीवी के इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मुशर्रफ साहब अगर मेरी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप वहां बैठकर वीडियो बयान जारी ना करें, आप पाकिस्तान वापस आए, हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल है, आप उसका हिस्सा बन जाएं, आप वहां पर आकर वो तमाम सबूत फराहम करें जो आपकी बेगुनाही के हैं और वो तमाम सबूत फराहम करें पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आपने लगाए हैं ताकि अदालत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका मैसेज जो है वो परवेज मुशर्रफ तक हमारे तवसुल से जरूर पहुंच भी जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं ये जरूर जानना चाह रही हूँ कि परवेज मुशर्रफ ने यह भी कहा था कि बेनजीर किसको हुआ है ये जान लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कातिल कौन है, क्या समझते हैं आप? उन्होंने तो बड़ा डायरेक्टली ये बात कह दी है कि जी इस सब का फायदा जो है बेनजीर के कत्ल का फायदा एक ही आदमी को हुआ है, वो है आसिफ अली जरदारी, तो क्या समझते हैं आप बैतुल्ला महसूद को साजिश करके इस्तेमाल किया गया, वाकई जरदारी साहब को कोई फायदा हुआ है इस सबसे? आज याद क्यों आए हैं? जब हाईकोर्ट में हमने अपील फाइल की है, जब हाईकोर्ट ने हमारी अपील एडमिट कर ली है, इसका मतलब यह है कि आप उनको पता है कि मेरे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। आप फायदे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यतीम हो गई, पाकिस्तान यतीम हो, पाकिस्तान की काय दुनिया से चली गई। हमें तो ये बात कर कर मैं समझता हूँ हमारे जख्मों को पे नमक छिड़का जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ, आपको इन्वेस्टिगेशन में मुलजम डिक्लेयर किया गया है, आप इस वक्त बाकायदा अदालत से इश्तहारी हो चुके हैं। मैं आज आप इस प्रोग्राम में दोबारा मुतालबा करता हूं कि आप ये आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो वज़ीर-ए-आज़म अदालतों का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर
आसिफ अली जरदारी साहब अदालतों का सामना कर रहे हैं और बहुत सारे सियासी कोरोना अदालतों का सामना कर रहे हैं। आपने एक सियासी जमात बनाई है, आप पाकिस्तान के 9 साल सदर रहे हैं गैर आइनी तौर पर बंदूक के जोर पर। आज पाकिस्तान वापस आइए, अदालतें आजाद हैं, आज अदालतें ऐसे ऐसे फैसले दे रही हैं जो माजी में कभी नहीं होते थे। मैं उन अदालतों को सलाम पेश करता हूँ, हमारा आज पर इत्माद है, आप भी वापस आइए, हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद हैं ताकि असल हकायक कौम के सामने चले गए। जी बहुत शुक्रिया शौकत, बस हमारे साथ मौजूद थे और परवेज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयान के हवाले से वो बात कर रहे थे और दोनों ही जाने साबिक सदर की बात की जाए या पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही बड़े डिफेंसिव मूड में नजर आते हैं और एग्रेशन और तनकीद की दोनों ही जानिब से जो है वो जुमलों का तबादला किया। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से मजीद भी कुछ बातचीत की जाएगी लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट और रीजनल एडवोकेट जनरल आयशा भवानी कॉलेज और अदालती हुक्म पर कॉलेज में तदरीसी अमल शुरू करने का जायजा भी लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद, अपडेट कीजिए, अभी क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, कॉलेज में तदरीसी अमल बहाल हो गया है? देखिए सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कल बाकायदा नाजिर करम दीन जिन्हें जो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जो है वो कॉलेज का जो है वो सील को तोड़ दिया गया था और आज सुबह बाकायदा जो तदरीसी अमल है वो शुरू हो चुका है। तलबा से हमारी बात की तो उनका कहना ये था कि वो इंतहाई खुश हैं कि तदरीसी अमल जो कि 7 रोज से मुअत्तल था अब उसका जो है वो बाकायदा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और एक रमदीन जिनेजू ने जो है वो मीडिया से बातचीत की, उनका कहना यह था कि ये गवर्नमेंट और अब किसी भी सूरत में जो है वो जो तमाम कराची के अंदर जो ट्रस्ट के हवाले मदबी के राजी है उसको देखा जाएगा और बाकायदा जो है वो जो है वो सर्वे किया जाएगा और किसी भी तरह जो है वो इस बात को क्योंकि जो है वो कोई भी जो है वो इसका कब्जा ना कर सके। अब बाकायदा जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और जो तालिबे इल्म है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश दिखाई देते हैं। जी आप हमें अपडेट कर रहे थे और डेफिनेटली आयशा भवानी कॉलेज के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जब ये कॉलेज के खुलने का हुक्म आया है तो बड़े ही जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर खुश दिखाई दे रहे थे, मिठाइयाँ लेकर अपने कॉलेज के अंदर दाखिल हुए थे। तो हम भी तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देंगे। आगे बढ़ते जनाब और पंजाब की जानब लाहौर का हुकूमत पंजाब की जानिब से अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है। तफसीलात जानने के लिए हमने राबता किया है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच का। सईद बलोच, ये बताएगा कि मुजाहरीन का इस वक्त क्या कहना है, क्या मुतालबात है उनके? सईद बलोच, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अपने नाज़रीन को इससे आगाह करें कि यहाँ पर एहतजाज जारी है। मॉडल टाउन के शोधा के लवाहिकीन यहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने बड़ी तादाद में जमा है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल के हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बाकिर नजफी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके हवाले की जाए। इन मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद है और ये ज़्यादातर जो शोधाए मॉडल टाउन थे उनके लवाहिकीन हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन भी हैं और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक जो सेक्रेटरी जनरल हैं खुर्रम नवाज गंडापुर वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि वो यहाँ पर आएंगे, आए हैं और अपने लॉयर के साथ थोड़ी देर में वो होम सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर में जाएंगे और उन्हें बाकायदा तहरीर तो देंगे कि कल के हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो बाकिर नजफी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके हवाले की जाए। उनका मजीद ये कहना था कि जब तक पंजाब हुकूमत स्टे ऑर्डर नहीं फैसले के खिलाफ या इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं चली जाती उस वक्त तक होम सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो उन्हें बाकिर नजफी जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट उनके हवाले करने के पाबंद हैं। उनका ये कहना था कि अगर आज रिपोर्ट उनके हवाले नहीं की जाती तो इसका मतलब ये है कि होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो तोहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और उन्हें इस हवाले से सजा भी हो सकती है। उनका ये कहना था कि वो पंजाब के वजीर आला से अपनी वफादारी ना निभाएं, वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के मुलाजिम हैं, लिहाजा उनका ये फ़र्ज़ है कि ये रिपोर्ट जो है वो उनके हवाले की जाए। जी मॉडल टाउन के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका
यही जब खुर्रम नवाज गंडापुर आएंगे तो फिर वो उनके साथ होम सेक्रेटरी से बात करेंगे और उनका यही कहना है कि अगर वो ये रिपोर्ट उनके हवाले नहीं करते हैं तो फिर पंजाब हुकूमत की बात होम सेक्रेटरी ना माने। इस हवाले से सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, पंजाब हुकूमत तो इस वक्त चाह रही है कि 25 सितंबर तक इसी तरह बात अटक जाए, लेकिन अब मेरा ख्याल है लोग सड़कों पर निकल आए हैं तो बात रुकने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची की। कराची जो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को आज तक फेस करना पड़ा है वो है कचरा। कराची का कचरा कौन उठाएगा? शहर में लगे जो गंदगी के ढेर हैं, हजारों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। माहिरीन अमराज भी सवाल हैं कि शहर में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल यही रही तो शहर में वबाई अमराज पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो शहर कायद में सिर्फ एक ही मसला नहीं है बल्कि टूटी फूटी सड़कें भी हैं, कराची का एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये सवाल पैदा होता है कि शहरी इंतजामिया और सिंध हुकूमत इस सारे मसाइल पर कितना काम कर रही है और काम कर रही है तो वो नजर क्यों नहीं आ रहा? कराची को ओन करने के सब बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन जब कराची के मसाइल की बात आती है तो सब एक दूसरे पर मलबा डाल देते हैं। यही सूरत हाल यहाँ हम देखते हैं कि कराची में गटर के ढक्कन लगाने से लेकर कचरा उठाने तक का काम सिर्फ फिक्स्ड मुहिम ही करती दिखाई देती है। कराची को साफ करने की फिक्स्ड मुहिम शहर में कहाँ कहाँ चलाई जा रही है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है फिक्स्ड मुहिम के बानी आलमगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज तो आप काम कर रहे हैं वाकई में खराज तहसीन पेश करने वाला काम है क्योंकि ये वो काम है जिस पर हर कोई तवज्जो नहीं देता, नेग्लिजेंस का शिकार है कराची। जी थैंक यू सो मच एप्रिसिएशन के लिए और इनवाइट करने के लिए। यकीनन ये जो काम है ये सारे नॉन इश्यूज थे। गटर का ढक्कन इशू नहीं था, बच्चे गिर के जो है उसमें मर जाते हैं। मेरी नज़र से कोई 15-20 केसेस गुजरे, जितने कच्ची आबादी हैं, गोट हैं, हर महीने एक केस आता है और एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक आम लोगों का इशू है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब एक स्टेट के ताकतवर आदमी की शक्ल बना दो उसके, तब वो इशू बन जाता है। इसी अंदाज में कचरे, ये कोई आज का कचरा नहीं है, ये कोई 10-12 साल का कचरा है जो शहर में मौजूद है और कोई उठा नहीं रहा। इशू तब बनता है जब एक शख्स के घर के बाहर कचरा, सीएम हाउस के बाहर। तो ये जो है ये अलमिया है कि लोग यहाँ अहम है, चंद लोग, और इश्यूज अहम नहीं है। और हमने इसी चीज का फायदा उठाया, हम इस इशू को मेनस्ट्रीम में लाए। उसका नतीजा ये निकला कि मीडिया ने उसके एक तसलसल क्रिएट किया। चाइनीज कंपनी आई है, अभी दो डिस्ट्रिक्ट्स उनके हवाले किए हैं, बैरियर टाउन आया है, जुनेद जमशेद साहब भी आए सफाई के लिए। कभी मेयर जो है वो 100 दिन की मुहिम चलाता है, कभी बल्दियात का मिनिस्टर जो है वो एक हफ्ते चलाता है। तो ये सारा आउटपुट था इसका। हम जो कर रहे हैं फिक्सिट, हमारे पास एक ट्रैक्टर था, हमें एक बिजनेसमैन ने डोनेट किया था जिससे हमने जगह जगह सिंबॉलिकली कचरा उठाया, एक ट्रैक्टर से पूरा कराची साफ। दूसरे ट्रैक्टर की हमें ज़रूरत थी, हम तीन तलवार पे बैठे और वहाँ हमने लोगों से मदद की जो है वो भीख मांगी लोगों से। 10 दिन में 11.5 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए और एक नया ट्रैक्टर खरीदा और उससे भी हम सफाई कर रहे हैं। इस वक्त 4 ऑफिसेज हैं हमारे शहर में। फिक्सिट मुहिम को तकरीबन 1.5 साल हुआ है शहर में और इन 2 ट्रैक्टर से भी हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, हमारा विजन है, पूरे शहर में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फैलानी है और अपने बढ़ा रहे हैं। ये कैंपेन से अब एक इदारे में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। सही, आपको जल्द नजर आएगा हर एक यूनियन काउंसिल में फिक्सिट का ऑफिस होगा। बिल्कुल आलमगीर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो विजन है ये विजन महदूद ना रहे बल्कि बाकी लोग भी इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके साथ पार्टिसिपेट करें क्योंकि मसला सिर्फ ये आपका नहीं है, तमाम जो कराची के लोगों का ये मसला है। लेकिन मुझे ये एक बात मेरे जहन में आ रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो जज्बा और ये हौसला आप में आया कि मैंने कराची का बेड़ा उठाना है, मैंने कुछ ना कुछ अपना पार्ट तो एटलीस्ट प्ले करना है, हमारे नौजवानों में आजकल ये वाला एक जज्बा क्यों मिसिंग नजर आता है? क्यों वो लोग इस तरह आपकी तरह बाहर नहीं निकलते कि यार ये हमारा मसला है, हमारे घर के बाहर कूड़ा पड़ा है, हमें भी उठना चाहिए इसके लिए? यहाँ मसला ये रहा है कि हमें टीचर से लेके वालदैन तक वो ये फीड करते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है आपने। ये बहुत गंदी चीज है, ये बहुत खराब है, से खराब चीज है। इतना चेंज कर दिया, पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, पॉलिटिशियंस गंदे। पॉलिटिशियंस गंदे। अब वो पॉलिटिशियंस को तसव्वुर करते हैं और उस पे पूरे पॉलिटिक्स का एक खाका बना देते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स गंदी होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ना करते। सुलह हुदैबिया उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया उधर। तो ये इसी वजह से लोग जो है वो इसको अपना अलग है। पॉलिटिक्स थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, पीछे होते हैं कि हम क्यों किसी मसले में आए। अच्छा, दरअसल मौत मरने से डरते हैं। हाँ, फिक्सिट मुहिम की बात की जाए आलमगीर, तो जब भी हम लोग सड़कों पे कहीं कचरा देखते हैं, शहर में कहीं कचरा देखते हैं, तो हमारे जहनों में यही ख्याल आता है यार गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, सिंध गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं फिक्सिट वालों को बुला लेते हैं। तो आपको लोग ऑन कॉल बुलाते हैं कि हमारे इस जगह पर कचरा है, यहाँ पर गंदगी है, या फिर आप खुद ही होते हैं शहर का और जहाँ आपको समझ आ रहा होता है वहाँ से आप ये कैंपेन करते हैं? एक तो लोग सोशल मीडिया के जरिए हमें कंप्लेंट्स देते हैं, हम देखते हैं उस पर। दूसरा ये कि जो हमारी मिशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो खुद से कंप्लेन पर काम करती है। अच्छा। वो खुद से इश्यूज जाके वो सर्वे करती है और उन इश्यूज पे काम करती है। हम अभी इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है कि हम लोगों की कॉल रिसीव करें, उस पर इतने वसाइल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए वो अभी हम कर नहीं सकते। इन फ्यूचर इंशाल्लाह करेंगे उस पर काम। और दूसरा ये कि कंप्लेंट्स की नौयत भी इस लेवल की होती है कि अब मैं आपको क्या समझाऊं, किसी के घर में लिटरली इस हद तक कॉल्स आई है, किसी के घर में जो है कोई कुत्ते, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो घर में घुस गए, कह रहे हैं कि अब आप ये निकालें। अरे ओ, अच्छा तो आलमगीर, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इस हवाले से आपने किया है शहरियों के लिए कि आप अपनी इस मुहिम को बाकायदा तौर पर लोगों को बता सकें कि एग्जैक्टली ये किस मुतालिक है? अवेयरनेस हमारा ये मानना है जब तक हम सड़क पर हैं हमारे अमल के जरिए अवेयरनेस आनी है। आगाही वही बा असर है जो बा अमल है। ये अवेयरनेस लोग समझते हैं कर लें फाइव स्टार होटल में, वर्कशॉप्स कर लें, ट्रेनिंग सेशन कर लें, इसका कोई असर फायदा नहीं है, आउटपुट नहीं है। हम सड़क पे खड़े हैं, जो हमें देखेगा ये अच्छे घर का खाता पीता शख्स लग रहा है, ये क्यों झाड़ू मार रहा है इस सड़क पे, इससे आगाही मिलनी है अगले को, इससे उसको मैसेज मिलना है और वो उसको फील करेगा, एडॉप्ट करेगा। एक बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो आलमगीर आपने दे दिया इस हवाले से। और मैं अपने नाज़रीन को भी बिल्कुल कहना चाहूंगी कि वाकई में वो जो आगाही है वो बासर तभी है जब वो बाअमल है, और जब ये अमलन कुछ करके दिखा रहे होते हैं तो वो मेरा ख्याल है वो खुद ही एक मैसेज के तौर पर सबको मिल जाती है। अच्छा आलमगीर, जब ये सारा वहां में एकदम से पता चला कि जी फिक्सिट मुहिम से कोई आलमगीर एक सामने खड़े हुए आके और बड़ा ही सबसे टकराने के लिए तैयार हो गए, तो कुछ गिरफ्तारियां भी इस हवाले से अमल में आई आपको, और ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमने देखी कि आपको फेस करनी पड़ी। ऐसी सिचुएशन में लोग भी यही डरते हैं कि हम अगर खड़े होंगे तो ये हो जाएगा, हमें पुलिस उठा के लेके जाएंगे, मार कुटाई होगी, ऐसी तमाम सिचुएशन में किस तरह से आप में ये हौसला आया कि नहीं मैं स्टिल इसको कंटिन्यू करूंगा? और मतलब ऑब्वियसली पुलिस के साथ टकराना, हमारी जिस तरह की पुलिस है उनके साथ टकराना, किस तरह से उनके साथ एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, एक तो ये हकीकत है कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो शायद बाकी नौजवानों की उस तरीके से ना हुई। मैं 2009 से एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहा, पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा रहा मैं। अच्छा। और मैं बड़ी कम उम्र में अल्लाह ने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया, उसी पार्टी में बड़ी लर्निंग हुई मेरी। बहुत कम उम्र में मैं उस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, एडवाइजरी बॉडी में था, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था इस पार्टी के डेलीगेशन को, मैं पीटीआई में था और फिर भी मैं डेलीगेट था जब चाइना हम गए थे उस विजिट पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपोजर मिला मैंने इनको, देखा पॉलिटिकल माइंडसेट्स को कि किस अंदाज में काम करते हैं। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया और आपको भी जो पकड़ेंगे तो ये चीखेंगे। अच्छा, कराची के शहरी चाहे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, ताजर बिरादरी हो, जो भी हो, सब ये चाहते हैं कि कराची से कचरा साफ कर दिया जाए। हाल ही में एक तकरीब भी हुई जिसमें सारे सियासतदान भी थे, गवर्नर सिंह भी थे, उन्होंने इसकी अवेयरनेस के लिए, कराची की सफाई मुहिम के लिए जो है वो काफी वहां पर बातचीत की। तो ओवरऑल इस कैंपेन से जहां पर पूरे कराची के लोग ये चाहते हैं कि कराची साफ हो जाए, वहां आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? अवाम को सिर्फ एक मैसेज है कि पहले तो आप खुद से शुरू करें, लाओ तब्दीली आपने सबसे पहले अपने से शुरू करनी है, और जब आप खुद को तब्दील करेंगे आपकी आवाज में भी असर आएगा, आप दूसरे को तबलीग कर सकेंगे। तो सफाई, एक तो ये भी हकीकत है कि सिस्टम इंसान को चलाते हैं। आप दुबई इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ क्यू में भी वहाँ जो है आप गाड़ी भी सही जगह पार्क करते हैं, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ आपके लिए सजा है।
तो जरूरी नहीं कि आपको सजा देकर इंसान बनाया जाए, आप इंसान होने का सबूत उसके अलावा। तो ये सबके लिए मैसेज, थैंक यू सो मच आलमगीर, आप हमारे साथ थे और एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज जो है वो आपने हमारे आवाम के लिए दिया है। डेफिनेटली सिस्टम जो है वो भी हम ही लोग बनाते हैं और इसको बिगाड़ते भी हम ही लोग हैं, तो हमें अपना किरदार जो है वो एज अ शहरी, एज अ सिटीजन ऑफ कराची या फिर एज बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें जरूर अदा करना चाहिए। इसी के साथ, हाँ सही कह रही हैं आप, कराची की सफाई मुहिम के हवाले से जरूर कि हमारे क्रिकेटर जो हैं शाहिद आफरीदी वो भी यही कहते हैं कि हमने कराची को पेरिस बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन आज हम यहाँ से कचरे उठाने की बातें करें। गुड मॉर्निंग आज, मैं यहाँ वक्त आई ब्रेक, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग और अब आपसे बात करेंगे हम लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। सामने आया है सानिया मॉडल टाउन के हवाले से और अब इस रिपोर्ट को मंजरियाम पर लाने का भी फैसला कर लिया गया है, रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो रिपोर्ट को मंजरियाम पर लाने से इनकार कर रही है और फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट करने का उन्होंने फैसला किया है। जबकि ताहिरुल कादरी की बात की जाए तो उन्होंने सानिया मॉडल टाउन में मुलविस तमाम अफराद के नाम ECL में डालने का भी साथ साथ मुतालबा कर दिया है और देखते हैं कि ये मुतालबा उनका कितना पूरा होता है या नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एक के बाद एक मुश्किल आ रही है। हुक्मरान जमात को सानिया मॉडल टाउन की अदालती तहकीकात महंगी पड़ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने का हुक्म दे दिया है। सानिया मॉडल टाउन में जांबाग अफराद के वर्षा ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसका गया फैसला जस्टिस मुजाहिर अली ने सुनाया। लवाहिकीन के वकला का कहना था कि आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया जो इंसाफ दिलाने के लिए मजलूमों को, आज जो एक बड़ा लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने दिया है, हम सलाम पेश करते हैं ऑनरेबल जज लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने जुरत के साथ, दलेरी के साथ आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने सानिया मॉडल टाउन की अदालती तहकीकात रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान मलिक अहमद खान के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन इंक्वायरी रिपोर्ट करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट हुकूमत ने अपनी सहूलत के लिए बनवाई थी। राणा सनाउल्ला का कहना है कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दो रोज में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का हुक्म दिया है। अदालती फैसला आने के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत सानिया में तो GIT रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर कर रही है। ताहिरुल कादरी का कहना था कि जस्टिस बाकर नशवी की रिपोर्ट अब सामने आकर रहेगी, हुकूमत उसे नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि बेहतर है वजीर आला पंजाब इंसाफ और कसाफ का रास्ता खोल दें। ताहिरुल कादरी ने शरीफ बरादरान पर तनकीद करते हुए कहा कि एहतसाब अदालत और नैब में मतलूब होने के बावजूद पूरा खानदान मुल्क से फरार हो गया है। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि रुस्वा होकर इक्तदार से निकलेंगे। सानिया मॉडल टाउन में तकरीबन 14 अफराद जांबहक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मॉडल टाउन में 14 अफराद की शहादत के बाद वजीर आला पंजाब ने इसी शाम यानी 17 जून 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाकये के मुहरिकात से मीडिया को भी आगाह किया। उन्होंने सानिया की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का भी ऐलान किया और साथ साथ ये भी कहा था कि अगर कमीशन की रिपोर्ट में वो जिम्मेदार पाए गए तो इस्तीफा भी दे देंगे। और फिर सिर्फ दो रोज बाद 19 जून को जस्टिस बाकर अली नजवी की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया गया और अब इस कमीशन की रिपोर्ट को लाहौर हाईकोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। वेलकम टू द शो सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट जो है वो मंजरे आम पर लाने का हुक्म दे दिया है, आप क्या समझते हैं कि मॉडल टाउन के मुतासरीन को अब इंसाफ मिल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद तो यही है कि अनकरीब मॉडल टाउन के शहदा के वो रसा को और जो जख्मी हुए थे उनको इंसाफ मिलने वाला है। अलबत्ता जाहिर है कि हुकूमत पंजाब उसमें कोशिश करेगी कि जितना भी रखना डाल सके, क्योंकि अभी 3 साल गुजर गए, वो अभी तक तो इस कोशिश में रहे हैं कि जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट मंजर आम पे ना आए, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े क्लियर कट फैसले के बाद शायद उनके लिए ये मुश्किल हो जाए। और हमारी कोशिश होगी कि होम सेक्रेटरी पंजाब
हुकूमती मुलाजिम हैं तो फिर तो उन पे लाजिम है कि वो ये रिपोर्ट की कॉपी हमारे हवाले कर दें, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब के जाती मुलाजिम हैं तो फिर शायद मामला मुख्तलिफ हो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अदालती फैसले के मुताबिक तो रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन ये बताएं कि अब कौन इस रिपोर्ट को मंजरे आम पर लाएगा? अब ये सारा डोमेन जो है वो किसका है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा इस पे? इस सवाल के जवाब में मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जमहूरियत क्या बाकी रह जाती है अगर अदालत एक हुक्मनामा जारी करे और चीफ मिनिस्टर उस सूबे का उस हुक्मनामे को और होम सेक्रेटरी उस सूबे उस हुक्मनामे को मानने से इनकार कर दे तो क्या वो एक जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक है और क्या वो माफिया की हुकूमत नहीं है? हुकूमत नहीं है। अच्छा खुर्रम नवाज साहब, मॉडल टाउन के मुतासरीन की जानिब से ये दरख्वास्त में मौके अख्तियार किया गया था कि इंक्वायरी में जो है वो ये तमाम तर साने मॉडल टाउन के जो ट्रायल है ये रिपोर्ट उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। आपके ख्याल में यह अहम किरदार क्या हो सकता है? अहम किरदार ये होता है जब भी एक कोई जुर्म होता है तो सबूत के साथ फैसला करने वो जुर्म का कौन मुर्तकिब हुआ था। सही। जस्टिस बाकर नजफी की जो रिपोर्ट है वो इस तरह अहम है कि उस कमीशन ने एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की थी। जो जेआईटी बनाई थी वो तो हुकूमत ने खुद बनाई थी अपने उन मुलाजमीन पे जो उनके पसंदीदा थे, और इसलिए पहली जीआईटी रिपोर्ट थी उसमें एमआई और आईएसआई के दोनों नुमाइंदों ने हकूमती नुमाइंदों से इत्तेफाक नहीं किया था, इख्तिलाफी नोट दिए थे। और मजे की बात यह है कि जो रिपोर्ट की कॉपी अदालत में पेश की गई है किसी के भी दस्तखत मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हुकूमत पंजाब ने अपनी मनपसंद एक और जीआईटी बनाई जिसमें के शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एमआई की जानिब से भी इख्तलाफी नोट्स दिए गए थे। अच्छा ये बताएं कि अब जब ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आ जाएगी तो इस रिपोर्ट में जिन अफराद का ताल्लुक है, जो लोग इसमें मुल्क के लिए, आप क्या सोचते हैं कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हमारे नुकता नजर से सजा बड़ी वाजह है। हम सब मुसलमान हैं, कुरान पाक के साफ और वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ए ईमान वालो, तुम पर किसास लाजिम कर दिया गया है ताकि तुम तबाही से बच सको। किसास का मतलब है जान के बदले जान, और यही हमारा मुतालबा है। दो लोग जिम्मेदार हैं मॉडल टाउन ठीक के, है। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज साहब, आप हमारे साथ थे और डेफिनेटली एक अहम फैसला है जिसके खिलाफ आप देख रहे हैं हम पंजाब हुकूमत ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया। देखना यह है कि वाकई में जो इसके मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं क्योंकि सब यही समझ रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट और ये एक संगे मील के तौर पर ये जो है वो सामने आई है और अब आगे भी इससे जो है वो काफी इंसाफ मिलने में मदद फरहम होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से जो है कसास का भी मुतालबा किया गया, जबकि साथ साथ सख्त सख्त कानून के हवाले से सजा देने का भी मुतालबा किया गया। अब लेट्स सी के इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त होती है। गुड मॉर्निंग, आज से फिलहाल ही ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।